प्रसिद्ध समाज सेवक प्रमोद मेहंदीरत्ता परिवार की ओर से एनआरआई भाइयों के सहयोग से इस वर्ष मैट्रिक और हायर सेकेंडरी पास करने वाली लगभग 3,300 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की। इस दौरान श्री विज ने कहा कि अष्टमी के दिन प्रमोद मेहंदीरत्ता परिवार की ओर से ये जो पुनीत कार्य किया जा रहा है वे उसकी प्रशंसा करते हैं और छात्र रूपी कंजकों से प्रार्थना करते हैं कि वे इस परिवार को आशीर्वाद दें कि आने वाले दिनों में भी वे इसी तरह समाज सेवा के कार्य बढ़ चढ़कर करते रहें। इस दौरान रविंदर मेहंदीरत्ता की ओर से दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज का स्वागत कर उन्हें मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इलाका विधायक सुशील रिंकू व उनकी धर्मपत्नी पार्षद सुनीता रिंकू हमेशा ही समाज सेवा के कार्यों में उनकी सहायता करते रहते हैं, उन्हीं की बदौलत आज ये कार्य भी संपन्न हुआ है। इस मौके पर राकेश कश्यप, राजेंद्र कुमार मेहंदीरत्ता, मोहित अरोड़ा, प्रेरणा, नरेश, निखिल, शुभम गांधी, पारुल अरोड़ा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। पहला कुड़ियो जय माता दी, सारियां देवियां दे दर्शन हो गए, तुहाडा बड़ा धन्यवाद है। मेहंदीरत्ता परिवार द्वारा जिहड़ा है कई किस्म दा शहर नूं और इलाका वासियां नूं जिहड़ा योगदान है, ये बड़ा वड्डा योगदान, कोई नहीं सोचता, सारे अपना अपना सोचते हैं। परिवार जड़ा सेवा दे मार्ग से चल रहा है और ये जड़ा शिक्षा बच्चियां लई ये जड़ी ये सेवा करते हैं लड़कियां दी, ये बहुत वड्डी सेवा, क्योंकि तुसी सारी जनिया ने इन्हां दी सेवा दा अर्थ ये कटना है कि अपने पैरां ते आप खड़ियां होना है। अज युग बदल गया है, जड़ी ये तुहाडी सेवा कर रहे हैं, जो ये तुहानूं वजीफा दे रहे हैं, तुसीं ये समझो कि इन्हां नूं तां पुन्न लगना, इन्हां दे भाई साहब सारा परिवार उन्हां नूं भी पुन्न लगना, तुसीं भी सारे इन्हां नूं आशीर्वाद रूप दे विच आशीर्वाद दे के जरूर जाइयो, क्योंकि साडा जिहड़ा युग है उहदे विच लड़की लड़कियां च कोई फर्क नहीं रहना चाहीदा। इस चीज़ मद्देनजर रख के उस परिवार तुहाडे नाल खड़ा होया और तुसी भी इन्हां दा मान रखना, तुसी IAS IPS अफसर बन के कोई ना कोई अपनी पढ़ाई नूं उत्तीर्ण करके कुछ ना कुछ बन के इन्हां नूं दसना कि तुहाडे योगदान दे नाल। दूसरी गल, किसे लड़के ते लड़की च कोई फर्क नहीं होना, इन्होंने वो फर्क कढ़ लई ये सेवा शुरू की है, कहीं साड़ियाँ कुड़ियाँ नूं कोई कमी ना रह जाए। और तुसी देवियां और तुसी अपने पैरां ते खड़े होना है, और किस तरह खड़े होना है, वो पढ़ लिख के मेहनत करके खड़े, इन्होंने अपना फर्ज नभाया, तुसी अपना फर्ज नभाना। तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत वधाई, तो माता राणी तुहानूं चढ़दी कला बैठे, और तुसी सारिआं दे विच्चों जिन्नीआं भी अफसर बनन वो जरूर सानू मिलन, मेहंदीरत्ता साहब नूं भी मिलन, इन्हां दे परिवार नूं भी मिलन, वो इन्हां नूं इस गल की फिर खुशी होएगी कि तुसी इन्हां दा भी मान रखिआ। जय माता दी, करो चिंतापुर्णी जी दा। पहले तो अपने शीतल बावी का जिन्हों का हमेशा ही साढ़े तो बहुत मेहर भरिया हथ रख रहा, जिन्हें हमेशा ही सानू बहुत सहयोग दिता, मैं पहले तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि अब जो सा 10th पास हो प्लस टू पास आने बच्चों का जोड़ा फंक्शन ही लगभग कंप्लीट हो गया, जोड़ा सा 3-4 महीने लगभग चल रहा, जिन्हें फार्म इकट्ठे कर रहे थे, ये है जे प्रमोद कुमार जी बार साढ़े ब्रदर है NRI बार आस्ट्रिया रेंदे आ, उन्होंने वालों तो हर साल इदा बच्चों 10th पास हो प्लस टू पास बच्चे जोड़े साढ़े एरिए होंगे ही उन्होंने मोटीवेट किया जाता सीगा, तो बाकी बाऊ जी के मार्गदर्शन के नाल बाऊ जी के सहयोग नाल अज उन्होंने साडा फंक्शन लगभग कंप्लीट हो गया, लगभग तीन कोई जिन्ना कि चलो साढ़े को बच्चों के साढ़े 2-3 महीने फार्म जमा हुए हैं, तो बच्चों सारियां मतलब कि अज मतलब कि मैं बाऊ जी वालों और मैं सारे बच्चों का खास तौर पर मैं उन्होंने अज मतलब कि नवरात्र दिन चल रहे हैं, तो अज मैं उन्होंने बहुत बहुत उन्होंने
मैं कहे धन्यवाद करता वा। और खास तौर पर मैं बच्चों को उम्मीद रखता कि जो प्रमोद आलू उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया जाता किया गया गाँव भी बच्चे मतलब कि वो जिस तरह उन्होंने मोट जिस भावना उन्होंने उन्होंने मोटिवेट किया उस भावना बच्चे गाँव तरक्की करन और थोड़ा बहुत जो नाम की राशि उन्होंने दी है यद कोई मतलब पढ़ाई के रिलेटड इन अच्छे तरीके यूज कर सकन और इन्हें राशि इन्हों के काम आ सके। तो बाकी मैं फिर इस बाद सारे बच्चों का और खास तौर पर मैं रिनी हाँ कि जिन्होंने सानू इतने इन्ने मतलब कि दो तीन महीने बहुत बच्चों ने आराम नाल सहयोग किया क्योंकि बच्चे करोना करके ज्यादा इकट्ठे बच्चों बुला नहीं सके थोड़े बच्चे 40-60 करके बच्चों इतने बुलाते रहे हैं इस करके थोड़े थोड़े बच्चों में थोड़ी दिक्कत होगी फार्म जरूर इकट्ठे कर रहे हैं पर नाम देने लगे सानू थोड़ा टाइम जरूर लग गया क्योंकि करोना का बच्चे इस गल्ल साडी मजबूरी समझते रहे होने हैं कि इस काम में थोड़े बच्चा थोड़े थोड़े करके बुलाना रोज़ की रोज़ डेली डेली इस दफ्तर के टाइम तो बच्चा लगना सीगा। बाकी एक बार फिर मैं सामू बहुत बहुत नवरात्रियां दिन दे महाराणी वालों माँ महाराणी इन्होंने सब तो बच्चे कृपा करे और बाऊ जी का मैं खास तौर पर एक और मैं ना लिया साढ़े MLA के इलाके सुशील कुमार रिंकू जी जिन्हें इन्हों का हमेशा सामू बहुत ज़्यादा सहयोग रहा जिन्होंने पहले दिन तो लैके अज तक मतलब कि हमेशा साढ़े नाल साथ रहे।